आज के दिन का चौथा मैच इस समय शुरू होने जा रहा है, नीलावादल वर्सेस जय भीम रॉयल्स। टॉस जीता है रॉयल्स के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। जय भीम रॉयल्स के कैप्टन से निवेदन है, अपने सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है। प्लीज ख्याल रखें। खेल आज का ये चौथा मैच जय भीम रॉयल्स बनाम नीलावादल। वादल की हम बात करें तो तीन मैचेस खेले हैं, सिर्फ एक मैच जीता है। थोड़ी देर पहले एक बहुत ही रोमांचक मैच में उनको हार झेलनी पड़ी, हालांकि
ऐसे लग रहा था एक समय कि मैच जो है वो नीले बादल टीम के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन भीम क्रांति टीम ने पलट कर वार किया था। बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली आखिरी ओवर्स में, जिसके चलते 61 रनों का जो लक्ष्य था उसको पार किया भीम क्रांति टीम ने और 2 पॉइंट्स अर्जित किए। तो क्रांति टीम के हम देखें तो 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, 2 जीत उनके नाम, लेकिन इन दो टीमों की हम बात कर रहे हैं, नीले बादल टीम के सिर्फ 2 पॉइंट्स है 3 मैचेस में, रॉयल्स के 4 पॉइंट्स है, 2 मैच जीते हैं उन्होंने। पहली गेंद लेकर सचिन, लॉफ्ट कर दिया, मिस टाइम शॉट, बॉलर के पास मौका है, कोई गलती नहीं, बहुत स्वप्न करे चले दादा ने ठेवले प्रीमियर लीग, भीमराव आंबेडकर चले दादा ने ठेवले प्रीमियर लीग, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर चले दादा ने ठेवले प्रीमियर लीग, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर चले दादा ने ठेवले प्रीमियर लीग, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। निकलेश ने आज के पहले मैच में भी सिर्फ 1 रन का योगदान दिया था, इस बार फुल टॉस कलाइयों के सारे मोड़ दिया है खूबसूरती के साथ, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, 4 रन। कायदे पंडित महान जगती घटने चे शिल्पकार, कायदे पंडित महान जगती घटने चे शिल्पकार, चले दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर चले दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर चले दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। बैट्समैन गणेश पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद बड़े प्रहार, इस बार सामने ड्राइव कर दिया है, वी में खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ मौजूद है, एक और आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, हर गेंद को मिडल कर रहे हैं गणेश। और यदि गणेश आखिर तक खेलते हैं यहां से तो निश्चित रूप से एक बहुत ही विशाल स्कोर वो खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, जो टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फुल टॉस हो, अपील और आउट, लेग बिफोर विशाल स्वप्निल सिद्धार्थ गायकवाड सोबती लहे सहकारी, सोबती लहे सहकारी, सोबती लहे सहकारी, आयोजक नागेश चन्ने नरेश गायकवाड निमेश शेलार, आयोजक नागेश चन्ने नरेश, पूर्ण विकेट, बहुमूल्य विकेट, दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को शून्य पर आउट किया है, सबसे पहले निकलेश को कॉटन बोल्ड किया और फिर फुल टॉस गेंद पर आशीष को पगबाधा आउट किया। अपने आप से ही निराश रहेंगे बल्लेबाज आशीष, फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, सिर को स्थिर रख नहीं पाए और मिड विकेट के ऊपर से उठाने का प्रयास किया, थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेल बैठे जिस वजह से गेंद की लाइन को चूक गए थे बैट्समैन आशीष। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर मैदान में आते हुए साहिल, गणेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर 11 पर बैटिंग करते हुए, पिछले मैच में चौकों की हैट्रिक पूरी की थी।
इस मैच में लगने वाला दूसरा छक्का, स्कोर इस समय 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। विकेट्स भले ही लगातार गिरते जा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज अभी भी काफ़ी आक्रामक खेल रहे हैं, और यही तो खासियत है टेनिस बॉल क्रिकेट की, आक्रामकता कूट कूट कर भरी है इस खेल में। इस बार काफ़ी दूर से खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरह से चूक गए। अच्छी विकेट कीपिंग वहाँ पर विशाल द्वारा, 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक पार्टनरशिप की निश्चित रूप से आवश्यकता है जयभीम रॉयल्स को, और रॉयल्स के पास अच्छी गेंदबाजी भी है। उसको देखते हुए हम यहाँ से देखें तो निश्चित रूप से 50 रनों तक तो पहुँचना ही होगा। और एक और बड़ा शॉट इसी बीच, एक और सिक्सर। अच्छी तरह से आप गेंद को मिडल कर रहे हैं तो वो कोशिश करते कि कुछ देर शांत तरीके से खेलते तो एक लंबी पारी खेल सकते थे, और लंबी पारी खेलने का मतलब यह होता है कि टीम को उसको सीधा फायदा मिलता है। और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि खुद के लिए नहीं टीम के लिए खेलना चाहिए खिलाड़ी को। बड़े बड़े शॉट्स निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया आकर्षण रहता है दर्शकों के लिए, लेकिन टीम के हित को समझना बहुत ज़रूरी। नेवर की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर जोरदार पंच किया, गैप में खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद निकल गई। नशे में या मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है। वजन बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफर किया था बैट्समैन ने बैकफुट पर, और जोरदार पंच, अच्छा प्लेसमेंट था। तेजी से रन्स बनते हुए 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज अल्केश इस बार स्विच इट, गजब का शॉट सीधे स्टैंड में। कल भी वो स्विच हिट ही लगा रहे थे। स्टांस तो उन्होंने दाहिने हाथ के बैट्समैन का लिया है, बैटिंग ग्रिप भी उनकी दाहिने हाथ के बैट्समैन की है, लेकिन स्विच हिट खेल रहे हैं। लाजवाब छक्का, प्रेशर डाल दिया है शुरुआत से ही इस ओवर में गेंदबाज अल्केश के ऊपर। पहली दो गेंदों पर 10 रन, स्कोर 33 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही पॉजिटिव सोच बल्लेबाजों की इस मैच में जयभीम रॉयल्स की ओर से। फील्डिंग में परिवर्तन, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी लगभग स्क्वेरिश थर्डमैन की तरफ नजर आता हुआ, एक शॉट फाइन थर्डमैन है एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, और एक स्वीपर कवर। फिर से स्विच इट की कोशिश, इस बार अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ। पिछली गेंद जो थी वो खिंची हुई लेंथ थी जिस पर बड़ा प्रहार किया था, लेकिन इस बार मौका नहीं दिया हाथ खोलने का वहां पर बैट्समैन सतीश को। गेंदबाज भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि प्रिय स्ट्रोक स्विच हिट है बैट्समैन का, उस हिसाब से अपनी गेंद की लाइन और लेंथ में परिवर्तन लाए थे गेंदबाज अल्केश।
लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, 9/80 ओवर द विकेट। इस बार थोड़ा आगे खींचा था, बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, अच्छी वापसी। पहली दो गेंदों पर दो बड़े प्रहार, उसके बाद दो डॉट गेंदे और दोनों बार बीट किया है सतीश को। अच्छी नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में देखने को मिल रही है इस मैच में। कुल मिलाकर टूर्नामेंट का ये 10वां मुकाबला है और दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से हम देखें तो चौथा मैच है। तीन तीन मैचेस अभी तक दोनों टीमों ने खेले हैं। इस बार मिस टाइम कर बैठे, विकेट कीपर गेंद के नीचे और आसान सा कैच। आई ना बोल ना, तू कैसी दिसतेस माहित आहे का? नाही, माकडा सारखी दिसते तू, माकडा सारखी। डीजे अमित आरती डी, आई लाइक इट। पार्टनरशिप नहीं बन रही है, छोटी छोटी पारियां जरूर देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर पर हम देखें तो गणेश 11 रन बनाकर आउट हुए और अब सतीश 10 पर आउट हुए। विनोद 2 छक्के लगा चुके हैं, 12 पर बैटिंग करते हुए इस समय स्ट्राइक पर है। नए बैट्समैन आए हैं सौरभ, और सौरभ भी एक अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार पुल कर दिया है और सीधे फील्डर के पास, सचिन द्वारा एक और कैच। अंपायरिंग पैनल की ओर से भी आपको हार्दिक बधाई जन्मदिन की, और थोड़ी देर में हम यहाँ पर सन्मान्य प्रेम गायकवाड़ साहब का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, भीम टाइगर्स वर्सेस भीम क्रांति। निमेश आक्रमण जारी रखते हुए नए बैट्समैन अमित आए हैं, लॉफ्ट करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, गेंद पैर पर लगी थी लेकिन निश्चित रूप से इम्पैक्ट जो था वो ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर था, जिस वजह से कोई अपील वहाँ पर नहीं की गेंदबाज ने। निमेश अच्छी तरह से जानते हैं कि गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। इस जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, अभी भी 11 गेंदे पारी में शेष है। इस बार गेंद को आने दिया हल्के हाथों से, केवल दिशा दिखाई है पॉइंट की तरफ, एक रन। इसी की कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कमी नजर आई, बड़े शॉट्स तो देखने को मिले लेकिन ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास बल्लेबाजों ने नहीं किया। चौके छक्के लगे, विकेट्स गिरे या फिर डॉट गेंदे, यही कहानी है अभी तक के खेल की इस मैच की। सिंगल डबल्स पर ज़्यादा ध्यान बल्लेबाजों ने नहीं दिया है। सौरभ के पास अच्छा मौका है, एक अच्छी पारी खेल सकते हैं, नंबर 7 पर ज़रूर आए हैं। और अमित भी एक अच्छे स्ट्राइकर है, बायत के बल्लेबाज। अमित उन खिलाड़ियों में से है जो दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, और प्रभावित किया है उन्होंने अपने खेल से इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग सीजन 2 में। एक इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर खिलाड़ी है। फील्डिंग में काफ़ी परिवर्तन, ऑन साइड की फील्ड को काफ़ी कस लिया है वहाँ पर निमेश ने। 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए ऑन साइड में। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया शॉट, बहुत ही शानदार शॉट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन।
खाता खोलते हुए वहां पर अमित, टीम का स्कोर उछलता हुआ 40 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ढेर सारा एक्शन इस पारी में अभी तक देखने को मिला है। फिर से वही कोशिश, लेकिन इस बार बल्ले के थोड़े अंदर लगी जिस वजह से एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए बैट्समैन अमित, केवल एक रन। फिर से कोशिश थी कि डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को उठाकर खेल दिया जाए। निमिष लेग ब्रेक गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन बायत के बैट्समैन जब सामने आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बायत के बैट्समैन के लिए उनको खेलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अक्सर हम देखते हैं। लेग ब्रेक गेंदबाज जब बायत के बैट्समैन को बॉलिंग करता है तो अंदर की तरफ गेंद स्पिन होती है और फिर विद द स्पिन खेलना थोड़ा आसान हो जाता है। इस बार फुल टॉस ड्राइव कर दिया है, थोड़ी देर हवा में रही थी गेंद, लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्डिंग, सिंगल आता हुआ इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। विकेटों का पतन जरा देख लेते हैं, पहला शून्य पर, दूसरा, तीसरा और चौथा विकेट 11 पर, उसके बाद 33 पर पांचवा विकेट और छठा विकेट भी 33 पर गिरा, तो पांचवें विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी जरूर हुई थी। इस बार बहुत ही हवा में ऊपर खेल दिया था, लेकिन गैप में अच्छी तरह से टाइम नहीं कर पाए और यहां पर मौका रन आउट का, अमित को जाना होगा। .75 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट के खेल में 10 रन का औसत एक अच्छा औसत माना जाता है। आखिरी ओवर बड़ा ही महत्वपूर्ण ओवर है, नए बैट्समैन मैदान में आए हैं ऋषिकेश, पिछले मैच में भी मौका मिला था ऋषिकेश को बैटिंग करने का। ओके है गेंद हवा में और शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी नीचे आए तो थे, लेकिन मिस जजमेंट हो गया वहां पर, थोड़ा सा मिस जजमेंट और कैच छूटा। वन शॉट का इशारा करते हुए अंपायर रमीज रईस, सिर्फ एक रन मिलेगा, स्कोर 44। काफी अच्छा एफर्ट था वहां पर अल्केश का, शॉट फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे और अपनी बाई तरफ जाते हुए थोड़ा सा साइडवेज दौड़े थे और काफी दूरी तय की थी उन्होंने, काफी लंबा फासला तय किया था, लगभग 10-12 कदम दौड़े थे और उसके बाद कैच करने की कोशिश, लेकिन शरीर से थोड़ा सा दूर कैच करने की कोशिश। इस बार सौरभ ने गेंद को जाने दिया, लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज अजिंक्य, वाइट का इशारा। इस पारी में हम देखें तो निमेश ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और कुल मिलाकर 22 रन खर्च के 1 विकेट प्राप्त किया। सबसे सफल गेंदबाज सचिन रहे जिन्होंने पहला ओवर किया था, 11 रन देकर 3 विकेट्स, 2 विकेट्स मिले थे अल्केश को और अब अजिंक्य पारी का अंतिम ओवर करते हुए। आशा पाटिल नॉन स्टैंड एंड से, इस बार बेहतरीन प्रहार, स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, शानदार छक्का। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी सौरभ के, उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की और इसके साथ ही 50 पर पार कर लिया है, 50 का आंकड़ा पार कर लिया है जय भीम रॉयल्स ने। रन संख्या 51 आगे रखने की कोशिश और बहुत ही शानदार तरीके से थोड़ा सा पैरों पर
बल्लेबाजी में काफी गहराई है जहां तक रॉयल्स का सवाल है। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है, डिप मिड विकेट पर निमेश मौजूद है, पहले बाउंस पर उठाया और विकेट कीपर के पास थ्रो, लेकिन गलती विकेट कीपर से हुई जरूर है, मौका अभी भी और देखना अंपायर का क्या निर्णय आता है। दो रन वहां पर पूरे कर लिए हैं, बढ़िया दौड़, काफी जोखिम भरा रन था, हालांकि स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए दूसरा रन वहां पर लेना चाहा था सौरभ ने, पहले तो मना कर दिया था बैट्समैन ऋषिकेश ने, लेकिन आखिरकार वहां पर विकेट कीपर से गलती हुई। थ्रो बहुत अच्छा था निमेश का, लेकिन विकेट कीपर की गलती की वजह से दो रन पूरे, स्कोर अब 53 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इस पर लाइन देखनी पड़ेगी, अच्छी लाइन है, डॉट बॉल, 53 पर रुका हुआ स्कोर, दो गेंदे पारी में शेष, एक बड़ा हिट लगता है तो 60 के आसपास टोटल हो जाएगा और 60 रन तो एक अच्छा स्कोर है जिसको चेज करना उतना आसान नहीं है। यहाँ पर पहले 9 मुकाबलों में हमने देखा है कि 55 के ऊपर 5 ओवर्स में जब भी स्कोर बना है उसको चेज करना थोड़ा मुश्किल रहा है। ओह, मानो पिछले गेंद का रीप्ले हो, इस बार गेंद फाइन जा रही है, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी पीछे और गेंद जीत गई है रेस, 4 रन, एज लगा था। वैभव इन द मिक्स, इन द मिक्स, इन द मिक्स, इन द मिक्स, इन द मिक्स। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला ये सचिन के लिए और इसके साथ ही ये पारी समाप्त होती हुई, कुल मिलाकर जयभीम रॉयल्स ने बनाए हैं 57 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अपने निर्धारित 5 ओवर्स में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए कैप्टन जरूर संतुष्ट रहेंगे इस स्कोर से जयभीम रॉयल्स के, क्योंकि एक अच्छा टोटल है और जीतने के लिए 58 रनों की चुनौती नीलावादल टीम के सामने। अगले मैच का टॉस हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मंच पर बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, सन्माननीय प्रेम गायकवाड़ साहब का जन्मदिन है, बुद्धिस्ट युवा मंच भिवंडी की ओर से उनको जन्मदिन की एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक।
make it jam in the टाइगर्स और भीम क्रांति के बीच में अगला टॉस होने जा रहा है। भीम क्रांति के पैसे वाले जिस तरह से उनका सिक्सर का एक्शन रहता है और जो फिल्म है डॉन उसकी जो अदाकार हेलन उनकी याद दिलाते जब भी हो, लेकिन एक गोरे रंग की हेलन है जिस तरह से हम रतन बुआ में काले रंग की हेलन गोटा को देखते हैं। आइए अब टॉस की तरफ बढ़ रहे भीम क्रांति बनाम भीम टाइगर के बीच। माननीय श्री आइया मां बर्थडे बॉय के शुभातों से टॉस करने जा रहे प्रेम गायकवाड से निवेदन, आपको टॉस बॉक्स में आना है। बर्थडे आए भावाचा आणि जल्लोष साऱ्या एपीएलचा। आज काफी सारा जश्न रहेगा रात में मापुली गांव में। देखिए इस वक्त विटामिन सी और डी का मजा लेते हुए अजय सर और मोबिन सर। बर्थडे बॉय प्रेम गायकवाड़ आपसे निवेदन, आपको टॉस बॉक्स में आना है टॉस के लिए। बर्थडे बॉय प्रेम गायकोट के खेल की शुरुआत करनी है दोनों अंपायर्स। बर्थडे बॉय के शुरुआत से हम टॉस करने जा रहे दोनों टीमों के बीच में। सिर्फ फॉर्मेलिटीज रहेंगी। दोनों कप्तानों के मालूमात के लिए फिर एक मरतबा बता दो चलो, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग और एक तरफ बोधिस्ट युवा मंच। पहले तो आपको जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके शुरुआत से हम टॉस करने जा रहे। कॉलिंग इस वक्त सचिन बाबा की है और कॉल था एपीएल और आया भी एपीएल। अपने टॉस जीता क्या करना चाहेंगे? बैटिंग, ये आपको सिक्का देना है। ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन्स, ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। लेट कट खेला तो ओवर, गेंद चली गई डीप में, चार रन। DJ Vaibhav in the mix, 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 in the mix. निकलेश राउंड विकेट इस मरतबा ड्राइव कर दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। आशीष गायकवाड़ ने गेंद को उठाया तो पर जब तक विशाल एक रन पूरा करते हुए। देखिए अच्छी सोच, एक बड़े शॉट्स के बाद एक सिंगल निकालने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया है। एक अच्छे खिलाड़ी की ही निशानी रहती है। काफी सारा मजा हो रहा है आईपीएल में। स्मर्तबा ओ स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े शॉट्स को खेला, गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर। पहले बाउंस पर दूर से गई झपकते हुए साहिल, तब तक दो रन पूरे करते हुए सचिन।
बहुत अच्छा शॉट था लेकिन बाउंड्री को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए। देखिए एपीएल का आज का दूसरा दिन है, कमेंट्री पैनल, अंपायर पैनल, उसके बाद सभी खिलाड़ी एंजॉयमेंट करते हुए हंसी मजाक के साथ इस वक्त एपीएल का दूसरा दिन धीरे धीरे इस वक्त चलता हुआ। निकलेश फिर एक मरतबा मुड़ते हुए, मरतबा तेज की थी, शरीर से दूर काफी गेंद की थी, बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर गेंदबाजी होती हुई, फुटवर्क कहीं भी साथ नहीं देता, आप जबकि कुछ समझाते हुए सचिन को नॉन स्ट्राइकर एंड के बैट्समैन विशाल। यस वाइड एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता बा। इस बात स्क्वेयर लेग की दिशा पर कुल अंपायर गोकुल सर, लेकिन धूप खाते हुए कुल और धूप का कॉम्बिनेशन इस वक्त। निकलेश की इस बात पर काफी तेज एलिवेशन नहीं बना था, पहले ही बल्ला चला था, इसके देखना ऊपर क्या कुछ देखिए, शायद हिट विकेट हुई या नहीं है वो देखने वाली बात है। बैट्समैन निमेश शिला रहते हुए पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। देखिए बड़े भाई इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और छोटे भाई गेंदबाजी, यही क्रिकेट है, इसी का नाम क्रिकेट है। स्मार्ट तब हल्के से लूज बॉटम हैंड से ढकेल दिया, पर यही एपीएल का क्लास है और यही एपीएल है जिसमें दो भाई अपोजिशन में इस वक्त टक्कर। जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग में यूसुफ पठान और इरफान पठान अपोजिशन में खेलते रहते हैं अक्सर, माइकल हसी, डेविड हसी, सतीश अत्यावे ओवर नंबर दो के लिए। देखिए कुल मिलाकर स्कोर देखा जाए तो 58 का लक्ष्य खड़ा किया और उसके जवाब में अभी तक सिर्फ 9 रन बने और एक बहुत कीमती विकेट मिली है। जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी हुई थी ऐसा नहीं लग रहा था कि 57 रनों की तरफ देख रही है जयभीम रॉयल्स, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में जो बल्लेबाजी की है
बहुत गजब की विकेटें काफी गिरी थी, 3 ओवर में 6 विकेटें गिरी थी और उसके बाद 24 रन आए बाकी के 2 ओवर में और सिर्फ एक विकेट गिरा था। फुल टॉस गेंद, लाभ नहीं उठा पाए, गेंद चली गई खाली क्षेत्र में, फाइनली की दिशा पर सतीश उठाते हुए ऊपर, आशीष गायकवाड़ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, सतीश ने डीप में गेंद को उठाया था। 10 दोनों अंकों में प्रवेश करता हुआ, अभी भी जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत। मरतबा अच्छी गेंद खोद के निकाला, फिर एक मरतबा ट्रम्बलिंग हुई रोहित से, अब जबकि मिड ऑफ पर उठाते हुए गेंद को 1 रन इस बीच पूरा करते हुए। देखिए जो वेले प्रीमियर लीग हुआ था हाल ही में उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी रोहित ने, लेकिन एपीएल में काफी सारा स्ट्रगल करते हुए। फिर से अच्छी गेंद, बैंग ऑन टारगेट, विकेटों के बीच में लगातार गेंदबाजी, निशाना चूक गया, ओवर थ्रो, अच्छा बैकअप मौका बन सकता है, गलत थ्रो जाता हुआ ऊपर, 2 रन पूरे करते हुए, 1 पर 1 फ्री, 1+1 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। भीम क्रांति और भीम टाइगर के बीच में इसके बाद होने वाला मैच, भीम क्रांति ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और विजय जो भीम टाइगर के कप्तान है उनको अब गेंदबाजी की दावत दी है। फिर से तेज सवाल पूछा, पूरी लंबाई की गेंद थी, पूरी तरह से अब खोल के रखा ऊपर, खोल दिया था बैट्समैन निमेश शेलार को, रनों के लिए संघर्ष करते हुए निमेश, आशीष गायकवाड़ झिड़के से बिलोंग करते हैं और उनके पास काफी सारा अनुभव है। स्मर्तवा लॉब कर दिया हवा में, गणेश सेमी स्पीड और गेंद चली गई पहले बाउंस पर, डीप मिड विकेट से मारे के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद चली गई आकाश उंडो के पास, मिस फील्ड, दबाव महापुली के वंडर बॉय से मिस फील्ड होती हुई, अपेक्षा नहीं थी उनके खिलाड़ी की, जो महापुली के जो समर्थक है आकाश उंडो का गेम देखने के लिए, देखना गेंदबाजी ये पर आती या नहीं वो भी एक चिंता का विषय रहेगा। दौर की समाप्ति के बाद 18 रन और बची भी 3 ओवर में जीतने के लिए, चालीस रनों की जरूरत अभी भी बची हुई 3 ओवर्स में। देखिए आकाश हुंडू को अभी भी गेंदबाजी पर नहीं लगाया जिन्होंने कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, कई स्पर्धा में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की मापोली टीम के लिए, और जब मैं खाने के लिए गया था तब उन्होंने बताया था कि मैं फ्रंट लाइन गेंदबाज है मापोली टीम के। रोहित फॉर्जिन खिलाड़ी दिखते हुए भारत देशों के जो खिलाड़ी रहते न्यूजीलैंड की तरफ दिखने वाले खिलाड़ी की तरफ रोहित रितेश यादव की तरफ से ऑल दी बेस्ट है रोहित को। फुल टॉस गेंद, मिस टाइमिंग, बल्ले पर ठीक से लगी नहीं और आशीष गायकवाड़ गेंद के नीचे और इन द मिक्स 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 मिक्स
मजा लेते हुए मैदान पर। देखिए ईपीएल ये हंसी मजाक के साथ ईपीएल होना चाहिए, क्योंकि सभी कई सिटीज से खिलाड़ी आए, जिसमें वाड़ा, वसई, नाला सोपारा, कल्याण, भिवंडी। रोहित की अगली गेंद समर्था बाब स्तंभ के बाहर की गेंद थी। अब जैके अपने हाथों को खोलते हुए रमीज रईस सर व्हाइट का इशारा था, वहां दिशा से भटकते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। देखिए भिवंडी टेनिस क्रिकेट का मुझे इतना इतिहास मालूम नहीं, जिस तरह से साहिबा मोमिन सर मुझे बताते हुए, काफी सारी जानकारी है उनके पास, वो सिटी के बहुत महान स्कोरर है। छोटी गेंद पुल और पावरफुल, ये लगा छक्का और डीजे वैभव इन द मिक्स। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक करते हुए, जबकि स्कोर 25 रनों पर जा चुका है, 25 फॉर द टू विकेट्स। देखिए अब हम ऑरेंज कैप देने जा रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया अभी तक स्पर्धा में, 60 रन अभी तक बनाए। इस ओवर की बात हम रोहित फिर एक मरतबा मुड़ते हुए समर्थबा ऑफसाइड की दिशा में पांच कर दिया, क्लास झलकता हुआ इस शॉट्स के पीछे, दिल का शॉट खिलाता हुआ पर विशाल जाधव ने गेंद चली गई थी डीप कवर पर ऋषिकेश भुईर के पास। 26 32 रनों की अभी भी जरूरत, रोहित मुड़ते हुए मर्तबा उछाल दिया डाउन दी विकेट, आसमान में गेंद और गेंद के नीचे फिर एक मर्तबा आशीष। कैप होल्डर भीम टाइगर्स के मोहन सालवी, एक मोहन सालवी और एक अमित सालवी, एक डीजे में मशहूर है क्रिकेट में। छोटी गेंद कंट्रोल पुल शॉट्स के लिए गेंद चली गई अमित के सर के ऊपर से पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। ये भी जाएगी, ओहो इसे कहते
छह रन है, सिक्सर के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 36 36 फॉर दी थ्री विकेट्स। तीन ओवर्स की समाप्ति के बाद निकलेश के इस बार कंटिन्यू किया है, बची भी अब दो और 22 रनों की जरूरत। ग्यारह बावीस ये नंबर्स का, 12-22 का इस पर इक्वेशन आ चुका है, ये नंबर्स का खेल है। इस पर तबा पैडल स्वीप खेला, गेंद चली गई, इंप्रोवाइज किया था पर आकाश उंडो से मिसफील्ड, एक एक रन काफी कीमती है। तीसरे की कोशिश और तीन रन पूरे करते हुए लेजी क्रिकेट ऑपर और क्रेजी किया रही इस मैच में आकाश होंडो की एक गलती, अब देखा कितनी महंगी पड़ती है। खाना तो मजबूत खाया उन्होंने, बातें कितने खाते मैच के बाद पता चलेंगी। मिस्टर श्री रोशन भी आ चुके हैं, मरतबा अच्छी गेंद, ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, मिस फील्ड साहिल से आप जाके आकाश होंडो ने भी रात की सांस ली होंगी क्योंकि दूसरे खिलाड़ी ने भी मिस फील्ड की है, मतलब बिल एक खिलाड़ी के ऊपर नहीं आने वाला है। दो रन पूरे करते हुए देखिए हर एक खिलाड़ी आउटफील्ड में अपने टीम के लिए रन बचाता है, अगर टीम के खिलाड़ी कुछ रन अतिरिक्त देते तो वही महंगे पड़ते हैं। अक्सर कई मरतबा हमने देखा है निकलेश की अगली गेंद विशाल के लिए छोड़ दिया ऊपर, अब स्टंप के अधिक बार वाइट। हर एक खिलाड़ी अपने टीम के लिए रन बनाएगा जरूरी नहीं, हर एक अच्छा गेंदबाज हर मैच में अच्छी गेंदबाजी किए करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक खिलाड़ी अपने टीम के लिए रन बचाता और इंपॉर्टेंट रन रहते। निकलेश स्मर्तबा काफी तेज की थी, छोटी गेंद थी, गेंद पड़ने के बाद नीचे बैठ गई थी, सब मरीन गेंद थी बैट्समैन विशाल के लिए। नौ गेंदे और अभी भी 16 रनों की जरूरत। देखिए मिस फील्ड का जो कैच लिया था वो भी 6 रन, उसके बाद आकाश से मिस फील्ड, उसके बाद साहिल, तीन खिलाड़ी से जो मिस फील्ड हो कितने रन अब महंगे पड़ते देखने वाली बात। इस मतलब अच्छी गेंद चॉप करने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से पर कोने पर लगी थी और अपने स्टंप को भी कवर किया था, नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था पर एक रन पूरा करते हुए 43 के ऊपर जाता हुआ स्कोर। अभी भी 15 रनों की जरूरत, दूसरी ओर की दो गेंदे का खेल अभी भी शेष 8-15। निकलेश का दूसरा ओवर इस वक्त, अभी भी दो गेंदे शेष है, जबकि उनका अब कोटा पूरा होगा इस दो गेंदों के बाद। फिर से एलिवेशन नहीं बना, कमिट हुए थे पहले ही फ्रंट फुट पर, दूसरे की कोशिश की है शॉर्ट मिडविकेट दिशा पर, गणेश उठाते हुए तब तक एक रन पूरा करते हुए। माननीय श्री अनिकेत जादव पारिवली उनका आगमन होता हुआ, मोस्ट वेलकम आपका भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग सत्र 2 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपको वीआईपी मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ानी है। निकलेश स्पर्धा मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई डीप थर्डमैन की दिशा पर और गेंद फरार होती भी 4 रनों के लिए। देखिए आकाश होंडो को जो कि एक ऐसे गेंदबाज है जिनके वो हाइट का भी लाभ उठा सकते हैं, बड़ी हाइट है, तेज बाउंसर भी कर सकते हैं अपने टीम के लिए, देखना बा किसको गेंदबाजी पर लगाते हैं।
मानी श्री अनिकेत जाधव का इस पर आगमन होता बा। मोस्ट वेलकम अनिकेत जाधव, आपको वीआईपी मंच की शोभा बढ़ानी है। जैसे कि अमित के हाथों में चली गई वैसे आकाश हुंडो बैठ गए ऊपर नीचे। केतन जाधव की तरफ से ऑल द बेस्ट आता हुआ आईपीएल के लिए, जिन्होंने स्वीट्स बॉक्स स्पॉन्सर किया है, जो विद्यमान ग्राम पंचायत मेंबर है। स्मृत बाची गेंद बैकफुट पर जाकर दिशा दिया, क्या तो से गेंद चली गई शॉर्ट पॉइंट पर, दूसरे की कोशिश लेकिन तेज थ्रो आता हुआ डीप से, एक रन। 5-9 का इक्वेशन, 5 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 9 रनों की जरूरत। अमित मुड़ते हुए और दी विकेट, मतलब उछाल दिया गेंद को, लेकिन निकलेश गेंद के नीचे और बड़ी मछली जाल में फंसती भी। नए बैट्समैन अल्केश आते हुए, अमित फिर एक मर्तबा मुड़ते हुए सामना करते हुए संदेश। और दी विकेट स्मर्तबा एलिविशन ने बना, खोद के निकाला कारपेट के सारे, तेज सरकती भी आउटफील्ड में, मिसफील्ड लेकिन अच्छा बैकअप गणेश बंसोड़े का, दो रन पूरे करते हुए। हर एक रन अब कीमती हो चुका है। वन शॉट, ये देखिए वन शॉट का इशारा था कुल अंपायर गोकुलदास पाटिल सर का, नजरे कितनी अच्छी है, इसलिए प्रोफेशनल अंपायर और न्यूट्रल BC4 भिवंडी टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के बहुत महान अंपायर, एक रन के मदद के साथ 58 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए बची हुई 3 गेंदों पर। छोड़ दिया व्हाइट, लेग स्टंप को मिस करती हुई। राहुल ने अभी तक एक गोल्डन सिक्सर लगाया, 3 गेंदे 7 रनों की अभी भी जरूरत। तीन साधा संदेश सामना करते हुए अमित का स्मर्तबा तेज की थी, अंपायर की तरफ आशा की तरह देख रहे थे क्या देंगे वाइड या नहीं, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज। रमीज रईस के पास काफी सालों का क्रिकेट का अनुभव है और उसको झोंकते हुए अब बच्ची भी 2 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। एलिविशन नहीं बना, फुल टॉस गेंद लाभ नहीं उठा पाए और आउट होते हुए कॉटन बॉल।
नए बैट्समैन अजिंक्य आ चुके, लेकिन अल्केश सामना करते हुए टाई के लिए 6 रन, जीतने के लिए 5 रन देने होंगे इस गेंद पर अगर जयभीम रॉयल्स को जीतना है। अगर मुकाबला जीतना है या टाई करना है तो फिर 6 रनों की जरूरत, जीत के लिए 7। लेकिन टेनिस में ऐसी कोई भी गेंद नहीं जिस पर एक गेंद पर 7 रन आपको मिल सकते। और इसके साथ गेंद चली गई 4 रनों के लिए, लेकिन इस मैच जिन्होंने बल्लेबाजी करते समय 8 रनों का योगदान दिया था और बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी वो है जयभीम रॉयल्स के आमित, इज द मैन ऑफ द मैच। और सचिन यादव के लिए 100 रुपए का इनाम भी है। आइए अब पहले मैन ऑफ द मैच हम देने जा रहे कुणाल थुले स्पॉन्सर ट्रॉफी, केतन यादव स्पॉन्सर स्वीट्स बॉक्स और प्रेम गायकवाड़ और पंडित गायकवाड़ स्पॉन्सर पीजी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड गिफ्ट वाउचर्स। बर्थडे बॉय प्रेम गायकवाड़ के शुभार्थों से हम इनाम देने जा रहे आपको, आपके शुभार्थों से ट्रॉफी देना है अमित को जो हमें कुणाल थुले स्पॉन्सर है। उसके बाद अनिकेत यादव के शुभार्थों से हम गिफ्ट बॉक्स स्वीट्स बॉक्स देना आपको जो स्पॉन्सर किया है। टीम के मेंबर्स आईपीएल के आपको स्वीट्स बॉक्स जाकर देना ऊपर वीआईपी मंच पर। शैलेश गायकवाड़ जहां पर स्वीट्स बॉक्स थे वो देना है। स्वीट्स बॉक्स और गिफ्ट वाउचर अनिकेत यादव के हम शुभार्थों से देने जा रहे और गिफ्ट वाउचर भी जो प्रेम गायकवाड़ और पंडित गायकवाड़ स्पॉन्सर। और सचिन आपको भी आना आपका इनाम लेने के लिए और हम देने जा रहे प्रेम गायकवाड़ के शुभार्थों से जिनके 3 विकेटों के लिए था